Ladies and gentlemen, we would like to welcome you at Jinnah International Airport, Karachi. Here, the outside temperature is 26 degrees Celsius. Saqib. बस अब ये पकड़ लें. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. ये मेरा कराची का तकरीबन जो है वो चौथा या पांचवा ट्रिप है, और मैं जब भी आया हूँ तो मैंने यहाँ पर जो ऑलमोस्ट अवारी टावर में ही स्टे किया है. एक तो होता भी है कि हम लोग जर्नलिस्ट जो हैं वो हमें कोई और ही पैसे दे के बुलाता है, तो वो जब भी बुलाते हैं वो अवारी टावर भी बुलाते हैं. तो इसलिए आई थॉट कि मैं अवारी टावर्स का एक रिव्यू है वो आपको दे दूँ. वैसे भी अवारी टावर्स को पिछले कुछ दिनों से कुछ खबरों में था, वो खबरें भी मैं आपको बताऊँगा. ये जो भाई साहब हैं ये उनके ड्राइवर हैं अवारी टावर्स के, पिक एंड ड्रॉप सर्विस के, और ये मुझे स्कॉट करके लेके जाएंगे. इनके साथ चलते हैं. अभी आई हर्ड के सारा फैसल के ऊपर काफ़ी रश होता है, तो घंटा डेढ़ तो लग ही जाएगा जाते हुए. देखते हैं. Are you ready now? Thank you. We've reached at the Awari Towers. Awari Towers पहुँच गए. चेक इन करते हैं, और चेक इन करते हैं साथ साथ आपको जो है ना रूम भी दिखाते हैं. इससे पहले मैं रूम दिखाऊं, पहले अपना सामान जो है उसको ठिकाने लगा लेते हैं. हैंग माय सूट हियर एंड उसके बाद देखते हैं कि रूम कैसा है. सो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ सूट, सॉर्ट ऑफ अ सूट, और ये लाउंज टाइप एरिया है. रियली कंफर्टेबल. एंड ये जो है वो बेडरूम है. नॉट बैड, नॉट बैड.
जो इनकी ये सीट है ये कंप्लीट जो है वो रिक्लाइन नहीं होती, बट इट्स क्वाइट कंफर्टेबल। और दिस इज द बेड, चार डिफरेंट किस्म के आपको पिलोज यहाँ पर मिलते हैं, और हर पिलो के बारे में इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि किस पिलो का जो है वो क्या क्या मटेरियल है, जो भी होता है मुझे आज तक कभी समझ नहीं आई, खैर बट दैट्स द पिलो मेन्यू विच सेज के जो भी है उसके बारे में बता रहा है, नो आइडिया कि क्या है। अच्छा, उसके अलावा तमाम लाइट्स ऑन करते हैं एंड लेट्स सी के रूम कैसा है लाइट्स ऑन करके। सो या दिस इज द सिचुएशन एंड दैट्स मी। और बेडरूम के अंदर ये जो है वो एक आपके पास वर्क स्टेशन टाइप स्पेस है आपके पास, आपके पास लैपटॉप वगैरह काम करने के लिए तो बहुत अच्छी जगह है आपके पास। टीवी है, टीवी के ऊपर आपके पास जो है वो सैटेलाइट चैनल्स हैं, कुछ खास अच्छे चैनल नहीं। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो मुझे कुछ खास अच्छे, मुझे स्पोर्ट्स चैनल्स बहुत पसंद हैं, तो आई कुडंट फाइंड एनी गुड सैटेलाइट चैनल। अभी का आई डोंट नो कि कौन से चैनल्स हैं यहाँ पर, अभी मैं चेक करूँगा। उसके साथ साथ या ये लैम्प भी ऑन करते हैं, लेट्स सी कि अच्छी भली लाइट है कमरे के अंदर। और बाहर लाउंज की तरफ आते हैं, मैंने पहले भी जब स्टे किया तो मैं लाउंज में कभी भी मैं स्टे नहीं किया, हमेशा से गरीबों वाले रूम के अंदर रहा हूँ मैं, इसके अंदर एक ही कमरा होता है। बट दिस इज अ वेरी वेरी मिनी बार सबसे पहले देखते हैं। मैंने आपको एक पिछली वीडियो में बोला था कि मिनी बार जो है वो हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग सबसे पहले किसी भी होटल में आते हैं तो मिनी बार देखते हैं। सो मिनी बार के अंदर यू हैव सॉफ्ट ड्रिंक्स, चॉकलेट है, रेड बुल है, शेजान की कुछ जूसेस हैं, और आई थिंक ये बारबेक्यू है या माल्ट ड्रिंक है या क्लब सोडा। इज इट अल्कोहलिक? आई डोंट थिंक ये अल्कोहलिक है, इस प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान, बट इट डजंट से कि ये हलाल है या नहीं, या अल्कोहलिक है या नहीं। लेट्स सी, नो इट्स नॉन अल्कोहलिक, आई एम सॉरी, मेरी इन चीज़ों के बारे में बहुत ही फारिग इन्फॉर्मेशन है, बट अगर यहाँ पर अगर आपको अल्कोहल चाहिए तो अल्कोहल इजीली अवेलेबल, आई थिंक फिफ्थ फ्लोर के ऊपर देयर इज अ बार जहाँ पर जाके आपको अल्कोहल मिल सकती है। सो मिनी बार के बाद एक कुछ जो है वो फ्रूट बास्केट है, ड्राई फ्रूट्स हैं, सम कुकीज़, चॉकलेट्स, ये सब कुछ मौजूद हैं। ड्राई फ्रूट्स में कैश्यू नट्स हैं, पीनट्स हैं, रोस्टेड आमंड्स हैं और वॉलनट्स हैं, बादाम, अखरोट, काजू, मूंगफली, और ये चीकू है, आई डोंट नो ये फ्रूट बास्केट में चीकू है या क्या है, कुछ है। Another TV outside, Qibla directions available हैं, it's a fairly जैसे कहते हैं comfortable room, it's quite a comfortable room। Locker मैं आपको दिखाया था कि locker available है if you want to keep your belongings, अगर कोई आपके पास cash वगैरह पड़ा है और आप रखना चाहते हैं तो that's available। Mini bar वगैरह वैसे मैं use तो नहीं करता, कभी कभी करनी पड़ जाती है बट क्योंकि बहुत expensive होती है तो I avoid। Then you have a hair dryer, so सुबह बाल बनाने में कोई इशू नहीं होगा। Yeah, the washroom, सबसे important चीज washroom, here is the washroom, और it's quite a good washroom actually। मैं जब last time यहाँ पर stay किया था तो जो washroom था
इट वॉज अ वेरी नॉर्मल, बहुत छोटा सा वॉशरूम था जिस साइज का ये है, शावर का एरिया है, सो वो बाथरूम था आपके पास सिर्फ। तो दिस इज एक्चुअली क्वाइट ह्यूज, आपके पास बाथ टब है उसके अंदर, ये डिफरेंट किस्म के हैं। अब ये सुबह मुझे पता चलेगा कि उनको कैसे ऑपरेट करना है, बट ये हैं टॉवल्स आपके पास अवेलेबल हैं, आई डोंट नो साफ ही है। और अगेन किसी भी अच्छे होटल की तरह आपके पास यहाँ पर इंटरकॉम अवेलेबल है, जो शेविंग किट है, स्विंग किट है, बॉडी लोशन है, शैम्पू है, कॉम्ब है, वैनिटी किट है, शावर कैप है और डेंटल किट है। और ये अगर आपने मेरे जैसे, अगर आपने आपको जो है वो लार्ज साइज में देखना है, अगर आपको कोई थ्रेडिंग वगैरह करनी है, तो दिस प्लेस इज फॉर यू। ये जो रूम है दिस इज स्मोक फ्री, और या इम्प्रेसिव एक्चुअली। और ये यू हैव अ बाथरूम हियर, बाथरूम भी अवेलेबल है, आपके पास वेइंग स्केल भी अवेलेबल है जो कि इलेक्ट्रिक है। मैं वजन नहीं करूँगा यार, लोगों को लगता है मैं काफ़ी पतला हूँ, तो जो उनकी मेरे बारे में राय है उसको वैसे ही रहने दें। वॉशरूम से बाहर निकलते हैं। अच्छा, आई हैव टू रश टू अ मीटिंग, मेरी भी एक मीटिंग है डाउनस्टेयर्स, सो उसके बाद मैं कल एक और जो है वो डिटेल व्लॉग इसी की फैसिलिटीज़ के हवाले से करूँगा, तो उसके अंदर मैं आपको कंप्लीट और डिटेल्स भी दूंगा। बट फॉर नाउ ये एक ब्रीफ सॉवर है आवारी का। हाँ, इनफैक्ट आपको बाहर का व्यू अगर देखना है, लेट मी से, अगर यहाँ से कोई बाहर का व्यू है, यस, ये आपको कराची का व्यू यहाँ से मिलेगा। लेट मी चेक अगर मैं इसको खोल सकता हूँ। यस, जैसे ही आप इसको खोलते हैं तो आपको कराची का शोर आ जाता है। और इट्स सेफ, ये ग्रिल है सामने, सो बैल्कनी नहीं है, बस खिड़की खुलती है तो आप बाहर देख सकते हैं। अभी अजान हो रही है बाहर, तो मैं भी खामोश हो जाता हूँ, आप बाहर देखें कराची। सो डे टू एट दी आवारी, कल क्या जो मैंने आपको बताया था उसके अंदर मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया था यहाँ की फैसिलिटीज़ का। आप सेकेंड बात कर लेते हैं, मैंने क्योंकि तमाम फैसिलिटीज़ हैं इनको मैंने कम्प्लीटली यूज़ किया है। सो एक तो पहली बात ये कि मेरे सामने जो टीवी है, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, जो लाउंज का टीवी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इफ़ आई कैन टर्न अराउंड, इट्स ब्रोकन, टीवी जो है वो टूटा हुआ है, यू कैन सी। बट खैर इट डजंट मैटर, बिकॉज जो बेडरूम के अंदर टीवी है इट्स स्टिल फाइन, वो ठीक है। सेटेलाइट टीवी का मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो सेटेलाइट चैनल्स हैं वो काफ़ी जो है वो रीज़नेबल हैं। आपको यहाँ पर तमाम जो बड़े सेटेलाइट चैनल हैं वो आपको मिल जाते हैं। आपको स्पोर्ट्स का यहाँ पर अबू धाबी स्पोर्ट्स है, बीन स्पोर्ट्स है, न्यूज़ के यहाँ पर अच्छे चैनल्स हैं। ये मैं तमाम चैनल्स को एक साथ घुमा रहा हूँ, तो आप तमाम चैनल्स के नाम देख सकते हैं। और उसके अलावा जो मिनी बार है वो इट्स एज इट इज़, जो लॉन्ड्री सर्विस है इनकी वो काफ़ी अच्छी है, देयर दीज आर द लॉन्ड्री बैग्स। और बाकी मोर लेस इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मैंने पहले बताया था कि स्वीट के अंदर ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, सो इट्स क्वाइट कंफर्टेबल। जो रूम सर्विस थी इनकी थोड़ी सी डिलेड थी वो सर्विस, खाना मैंने ऑर्डर किया तो करीब 45 मिनट लगाया उन्होंने, वो खाना बिल्कुल सिंपल सा था, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था। बट सेकेंडली मैंने पोमीग्रेनेट जूस ऑर्डर किया था जिसकी जगह कोक आ गया, तो फिर वापस किया और जब मैं खाना खा चुका था तो उसके बाद जूस आया, सो आई थिंक ये कोई माइनर सी कन्फ्यूजन होगी। उसके अलावा इट्स फाइन। रूम के रेट्स मैं आपको बता देता हूँ, मैं तो कॉर्पोरेट रेट्स के ऊपर हूँ, तो इट्स कॉस्टिंग मी अराउंड 17,000, बट वो कॉस्ट मुझे नहीं कर रहा है, जिस कंपनी के थ्रू मैं यहाँ पर रह रहा हूँ उनको है। अदरवाइज आपके यहाँ पर जो है वो स्टे अराउंड 25,000-26,000 है जिस एग्जेक्टिव रूम में मैं हूँ। इट्स अ स्वीट, सो इट्स मोर एक्सपेंसिव, आई थिंक 30 तक पहुँच ही जाता है टैक्सीज वगैरह मिला के। एंड यहाँ का जो खाना है, रूम सर्विस आपकी एक टाइम की अगर आप करें तो वो आपको अराउंड 1500 से लेकर 2000 तक आपको एक कोर्स मील अगर आप ड्रिंक करना चाहें तो वो है। तो
बाहर का व्यू मैंने आपको दिखा दिया। हाँ, यहाँ पर स्विमिंग पूल मौजूद है, आप जो है वो स्विमिंग पूल यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्विमिंग पूल है यहाँ का। और उसके अलावा रूफ टॉप मैंने आपको बताया था कि एक रूफ टॉप के ऊपर रेस्टोरेंट है, इसके अलावा लॉबी के अंदर भी रेस्टोरेंट है जहाँ पर ब्रेकफास्ट जो है वो, एक तो ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट कम्प्लीमेंट्री होता है, बट जो है वो लंच और डिनर भी वहाँ पर मिलता है। इट्स फाइन, ठीक ही होता है ब्रेकफास्ट इनका, ठीक था। अनफॉर्चुनेटली मैं उसको फिल्म नहीं कर सका, बट क्योंकि वहाँ पर और लोग भी हैं तो आपको उनकी जो प्राइवेसी का ध्यान करना पड़ता है। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ अवारी टावर्स कराची फॉर यू। अगले किसी होटल के रिव्यू तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।